सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किशन थापा। चल आज की वीडियो है ना, ये मेरे एक फैन के रिक्वेस्ट पे आई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी पबजी लवर्स के लिए। बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये गेम की रिक्वेस्ट है एक ऐसे टॉपिक पे जो आप में से हर किसी को आती है। अगर आप एक पबजी लवर है तो आपने भी ये इशू कभी ना कभी अपने गेम में फेस किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल गेमिंग में हाई पिंग के बारे में। चल हम जब भी यार गेम खेलते हैं अपना, अचानक से हमारी जो पिंग है ना बहुत ज्यादा हाई आने लगती है और उसके बाद आपको पता है आपका गेम प्ले पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना कि हम में से काफी लोग यार गुस्से में ये सोचते हैं कि अपना अपना फोन ही फेंकते हैं या फिर ये गेम मुझे खेलना ही नहीं है, आज से तो डिलीट करके चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से आप अपने जो हाई पिंग है उसे ठीक कर सके, आपका जो पिंग है वो सही हो जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, आपको टोटल मैं आपको 60 टिप्स बताने वाला हूं, 60 मेथड जिसके हेल्प से आप अपने हाई पिंग को कम कर सकते हैं। तो यार जो सबसे पहला मेथड और टिप है वो है अपने इंटरनेट स्पीड को चेक करना। तो यार सबसे पहले ना आप अपने इंटरनेट स्पीड को चेक कर लो कि यार आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। बिकॉज समटाइम क्या होता है, अगर आप मोबाइल डेटा से खेल रहे हैं तो यार आपका जो नेटवर्क होता है उसमें कोई इशू हो रहा होता है जिसके वजह से आपको प्रॉपरली इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही होती है, जिसके वजह से आपके पिंग में इशू पड़ जाता है। अगर आप वाईफाई यूजर हैं, अगर आप वाईफाई कनेक्शन से खेल रहे हैं तो यार आप एक बार फिर भी अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लें। बिकॉज समटाइम होता क्या है, हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके एंड से कोई इशू होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर स्पीड नहीं मिल पा रही। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके ये इशू फिक्स करवा सकते हैं। तो यार अब दूसरा जो मेथड है वो है सर्वर। तो गेम सर्वर आपने देखा होगा बहुत सारे, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, तो बहुत सारे आपको गेम सर्वर देखने को मिल जाते हैं पबजी मोबाइल में। तो ऐसे में आपको ना अपना नियरेस्ट सर्वर चूज करना है। तो यार काफी सारे मैं लोगों में देखा है इंडिया में बैठे, वो यूरोप भी खेलते हैं, मिडिल ईस्ट भी खेलते हैं, बहुत सारे दूसरे सर्वर खेलते हैं। खेलना कोई गलत नहीं है, आप खेल सकते हो, बट अगर आप अपने नियरेस्ट सर्वर में गेम खेलोगे तो यार आपके जो पिंग है ना वो ठीक आएगा। अगर आप कोई दूसरे सर्वर में खेलते हो अपार्ट फ्रॉम अगर आप इंडिया में हो फॉर एग्जांपल, और अगर आप यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका यहाँ के खेलते हो तो वहां पे आपको जो पिंग है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेक श्योर कि आप अपने नियरेस्ट सर्वर में गेम प्ले खेलें। फिर जो तीसरा मेथड है वो है अपने मोबाइल फोन का जो सिंक ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देना। यार होता क्या है, हमारा मोबाइल ना बैकग्राउंड में सिंक होते रहता है। यार इससे होता क्या है, इससे हमारा जो इंटरनेट कंजम्पशन चलता रहता है जिसके वजह से हमारे पबजी गेम में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। बिकॉज यार हमें पता नहीं चलता, बस थोड़ी थोड़ी इंटरनेट भी अगर इधर उधर होती रहती है तो इससे हमारे गेम प्ले पे काफी फर्क पड़ सकता है, जिसके वजह से आपको पबजी गेम में हाई पिंग देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह आप सिंक ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है प्ले स्टोर का जो ऑटो अपडेट है उसे ऑफ कर देना। यार बेसिकली ये काफी लोगों को नहीं पता है, हम में से काफी सारे लोग नया फोन खरीद लेते हैं उसके बाद हमें पता नहीं होता इन सेटिंग्स के बारे में। यूजुअली हम में से काफी सारे वाईफाई यूजर हैं तो हमें भी ये नहीं पता। तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आपको सेटिंग में जाके आपको जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन होगा एप्स का उसे डिसेबल कर देना है। बिकॉज यार कई बार क्या हो जाता है, आप गेम खेल रहे हो और उसी समय आपके जो अपडेट है वो ऑटो अपडेट होने लग गए, ऐसे में आपके चांसेस है कि आपके गेम में बहुत ज्यादा हाई पिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता कि उसको ऑटो अपडेट कैसे करना है, आप उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते तो मैंने ऊपर एक वीडियो बना रखी है, बाय सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो यार जो पांचवी टिप है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके एप्लीकेशन है जो आप अब यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर देना है। बिकॉज होता क्या है, हमारे मोबाइल में काफी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं लेकिन उनमें से काफी सारे जो एप्लीकेशन है हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डेटा कंजम्पशन करते रहते हैं जिसके वजह से आपको पता तो नहीं चलता, लेकिन आप कोई हैवी वेबसाइट, कोई हैवी गेम, कोई भी आप यूज कर रहे हो तो ऐसे मोमेंट में क्या होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिल जाता है और ये रीजन है आपके पबजी मोबाइल में भी हाई पिंग आने का। तो आप अगर कोई ऐसे अनवांटेड एप्स हैं जो आप बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे तो आप उसको डिलीट कर दें। चल अब हम बात करते हैं टिप नंबर 6 की। तो इसमें आपको करना क्या है, जब भी आप पबजी मोबाइल स्टार्ट करें उससे पहले आप मेक श्योर करें कि जितने भी आपके एप्लीकेशन है उसको आप प्रॉपरली क्लोज कर दें, उसके बाद आप अपना पबजी मोबाइल गेम स्टार्ट करें। इससे होता क्या यार, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मान लो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, हम नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो और उसी के दौरान किसी दोस्त का फोन आ गया और हमने कहा चला जाए मैं पबजी में आ रहा हूँ और हमने अपना पबजी मोबाइल गेम स्टार्ट कर दिया। ऐसे में होता क्या है, वो जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और जो आपका डाटा कंजम्पशन है वो भी चलता रहता है। तो इससे होता क्या है, जब आप गेम प्ले करते हो तो आपको हाई पिंग देखने को मिलता है। तो इस सिनेरियो में आप यही कर सकते हो कि आप जितने भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं आप उसे क्लोज कर दें प्रॉपरली, उसके बाद अपना पबजी मोबाइल गेम स्टार्ट करें और हो सके तो हर फोर्थ या फिफ्थ गेम के बाद हमेशा अपना जो
गेम है उसे रिस्टार्ट करके गेम प्ले में वापस से जाएं। चल अब मैं बात करने वाला हूँ टिप नंबर 7 के बारे में। चल अब अगर इनमें से कोई सा भी मेथड या टिप आपके लिए काम नहीं आता तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पबजी मोबाइल गेम को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पबजी मोबाइल हमें एक ऑप्शन देता है रिपेयर करने का भी। चल कई बार क्या होता है हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके साथ उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ एरर आ जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जब भी अपना मोबाइल पबजी मोबाइल गेम ओपन करोगे जो जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिपेयर का, आपको उसको क्लिक करके अपने पबजी मोबाइल गेम को एक बार रिपेयर कर लेना है। इससे होगा क्या, आपकी जो पबजी मोबाइल गेम है वो वापस से डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी और उसके बाद आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो यार ये सारी टिप थी आज मैंने जो आपको बताई है पबजी मोबाइल में चलते हैं हाई पिंग को लेके। तो अगर आपको भी कोई अगर हाई पिंग का इशू आता है तो यार आप ये सारे टिप्स और मेथड फॉलो कर सकते हैं और आपको अपने गेम प्ले में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यार आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। सो यार आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।